अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये डिवाइस हमारी एक तैयार हो चुकी है। ये डिवाइस में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है इसका वेट ये सिंपल डिवाइस के अंदर जा रहा है और डिवाइस के अंदर से ये वेट जो है ये कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो डिवाइस लगाने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग वज़न कर रहे हैं, तो वो उनके चार बॉयलर हैं। उन बॉयलर के अंदर उन्होंने कोयला देना है और वो ये चाहते हैं कि हमारा जो है, जो लोग कोयले का वेट कर रहे हैं, बस वो ट्राली हमने ऊपर रखनी है और ये बटन प्रेस कर लें कि बॉयलर 1 है 2 है 3 और 4 है। जोन से भी बॉयलर के अंदर हम कोयला डालते हैं या कोई गोदाम के अंदर अगर हम ये वेट करते हैं तो हम सिंपल उस गोदाम का हमने प्रेस करें और ये ऑटो जो है यहाँ पर सेव हो जाए। यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर कोई ऑपरेटर नहीं बैठा होगा, कंप्यूटर के ऊपर ये खुद बा खुद सेव हो जाएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एफ बॉयलर, ये बॉयलर 1 है, बॉयलर 2 है और इसी तरह ये इनका हीटर 1 है और हीटर 2 है। इस तरह के ये चार हैं। जोन्स है कि उसमें भी कर रहे होंगे, ये सारा इसमें सेव होता रहेगा और उसके अलावा टोटल आता रहेगा कि ये टोटल इफ बॉयलर के अंदर इतना वेट चला गया, इस बॉयलर के अंदर इतना चला गया, इसी तरीके से इस लोकेशन के अंदर इतना इतना वेट चला गया। इसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर नहीं बैठा होगा। जो ट्राली का वजन है वो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी ट्राली का वजन होगा वो हमने यहाँ से सेव कर लेनी है। ये मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ये अभी जो है हमने ट्राली 1 के ऊपर जो है ये 50 kg सेव किया हुआ है। ये 50 kg को उससे माइनस करेगा और इसका ऑटो सेव कर लेगा। जो भी हमने ट्राली का वजन होगा वो हम यहाँ पे रख लेंगे, लिख लेंगे और बकाया ये ऑटो सेव करता रहेगा। जैसे कि फर्ज करें अभी ये आप देख सकते हैं कि 84 सीरियल नंबर जो है ये आ गया है और ये बॉयलर 2 में गया है। अब अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं, ये अगर हम यहाँ से हमने कोई दूसरे के अंदर हमने रखना है करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जब भी हम बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइट चलेगी। तो ये देखें, ये यहाँ पर हमने बॉयलर 3 के अंदर जो है, ये मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट हो गया है, ये आप देख सकते हैं पहले 84 था, अब 85 हो गया। 85 के अंदर 49 जो है वो आ गया है। यहाँ पर जो है अब हम इसके ऊपर कोई चीज रख देते हैं, जैसे कि फर्श करें ये डेड वेट हमने रख दिया इसके 190 kg इसके ऊपर आया। अगर फर्श करें कि 190 kg के अंदर ये टोटल वेट यहाँ पर है 190 kg और इसके अंदर से वो 50 kg रेडी के वजन को वो माइनस करेगा और यहाँ पर ये सेव कर देगा। अब जैसे फर्श करें हमने ये वाले बॉयलर ये बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही बटन ये प्रेस करेंगे यहाँ पे ये लाइट भी ऑन हो जाएगी ताकि ऑपरेटर को पता लग सके, ताकि ऑपरेटर को पता लग जाएगा कि ये लाइट ऑन हो रही है। इस तरीके से जो है जोन सा भी बॉयलर 1 बॉयलर 2 ये लाइट ऑन होगी। ये आप देख सकते हैं ये लाइट ऑन हो रही है और इसके अंदर डाटा सेव हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने कोई भी ऑटोमेशन की कोई भी चीज़ अगर आप खुद बनवाना चाहते हैं, हमारे से कोई भी इसकी नई ऑप्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग अच्छी कीमत में हमारे से ये बनवा सकते हैं। हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे यह होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों।